अब तक के सबसे खौफनाक दौर से गुजर रहे गाजा में अब एक और काला अध्याय जुड़ गया है। गाजा के दक्षिणी शहर खान यूनिस में इजरायली एयर स्ट्राइक ने फिर से गाजा के जख्मों को लाल कर दिया है। इजरायल के ताबड़तोड़ हमलों से तबाह हो चुके गाजा में अब इजरायली सेना ने रिफ्यूजी कैंपों पर हमला किया है। सेफ जोन घोषित इलाके में इजरायली सेना ने हमास लड़ाकों की मौजूदगी का दावा किया था। गाजा पर इजरायल के जोरदार हमले में कम से कम 40 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 60 से ज्यादा लोग बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि इजरायल ने जिस जगह एयर स्ट्राइक की वहां गाजा युद्ध में विस्थापित हुए फिलिस्तीनियों ने शरण ली हुई है। दावा है कि इजरायली सेना ने इस इलाके को मानवीय क्षेत्र के तौर पर नामित किया था। इजरायली सेना ने हमले पर कोई ज्यादा जानकारी नहीं दी है। IDF ने महज यही बताया है कि हालिया हमला हमास के शीर्ष लड़ाकों को निशाना बनाने के इरादे से किया गया था। इस दौरान इजरायली सेना ने साफ किया कि उसने नागरिक हताहतों को सीमित करने के लिए सटीक गोला बारूद, हवाई निगरानी जैसे साधनों का भी पूरा इस्तेमाल किया। हालांकि हमास लड़ाकों ने अपनी मौजूदगी के दावों का खंडन करते हुए इजरायली सेना पर नरसंहार के आरोप लगाए हैं। हमास ने कहा कि समूह के नाम पर गाजा के विस्थापित पीड़ितों को निशाना बनाकर हमला किया गया था। बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इजरायल लंबे समय से हमास लड़ाकों पर नागरिक आबादी वाले इलाकों में छिपे होने का इल्जाम लगाता रहा है। ऐसे में इजरायली सेना कई हमलों को अंजाम देती आई है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की ओर से जारी घटना स्थल की वीडियो में देखा जा सकता है कि हमले की जगह पर गहरे गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। आसपास टेंट बिखरे पड़े हैं। कैंपों में रह रहे लोगों के कपड़े फैले हुए हैं। खाने से भरे बैग्स धूल से सने दिख रहे हैं। कटे फटे गद्दे बिखरे हुए दिख रहे हैं। तबाह हो चुके टेंट में लोग जरूरी सामान ढूंढते नजर आ रहे हैं। गाजा के सिविल डिफेंस ने बताया कि तड़के हुए भीषण हमले में खान यूनिस के अल मवासी इलाके में कम से कम 20 तंबू क्षतिग्रस्त हुए। जब से इस इलाके को इजरायली सेना ने सेफ जोन घोषित किया है, तब से अल मवासी में तंबू फिलिस्तीनियों से भर गया है। गौरतलब है कि जंग की वजह से गाजा की 2.3 मिलियन की आबादी में से लगभग 90% लोग विस्थापित हुए हैं। हमले के चश्मदीदों ने भयानक पलों को याद करते हुए बताया कि एयर स्ट्राइक से इलाके में आग जल रही थी, वहीं इजरायली विमान आसमान में चक्कर लगा रहे थे। गाजा के नागरिक सुरक्षा के एक प्रवक्ता ने बताया कि घटना स्थल की जांच पड़ताल से पता चलता है कि ताजा हमला युद्ध में सबसे जघन्य नरसंहार में से एक था।